पर जो नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उस पर अब आपकी राय जानना चाहेंगे। जोमैटो का आईपीओ आज खुल रहा है, सबकी नजर है इस पर। सबसे पहले तो बताएं सर, इस आईपीओ, इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव्स क्या है? देखिए, अपनी तरह की पहली और यूनिक कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। स्टार्टअप टाइप की कंपनियां यूनिकॉर्न्स जिसे हम कहते हैं, वो अभी तक हिंदुस्तान में बहुत लिस्ट हुई नहीं है। एकाध कोई हुई होगी तो मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से पहली कंपनी जो स्टार्टअप के तौर पर अब लिस्ट होने जा रही। तो यूनिक बिजनेस मॉडल है, आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से आप फोन करके जोमेटो के जरिए किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं और अपनी टेबल बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अपनी तरह का यूनिक बिजनेस मॉडल है। एसेट्स इनके पास कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस करने के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ कस्टमर्स और रेस्टोरेंट ओनर साथ में आते हैं, क्लाउड किचन वाले साथ में आते हैं और एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और उसका फायदा कंपनी को मिलता है। तो यूनिक बिजनेस मॉडल बाजार को हमेशा से पसंद आए। देखिए, ये बहुत मैं बड़ी और काम की बात कर रहा हूँ। यूनिक बिजनेस मॉडल बाजार को हमेशा से पसंद आते हैं और उसकी एक प्रीमियम बाजार हमेशा देता है, जैसा कि जुबिलेंट फूड के वक्त आपने देखा या इन्फो एज के वक्त देखा। अपनी तरह के जो बिजनेसेस हैं जो ज्यादा नहीं है वो पसंद आते हैं, पहली चीज ये अच्छी है। दूसरा, ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है इस कंपनी में। देखिए दीप, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं दुनिया में, चाइना में देखिए 38% चाइना में करीबन 53% लोग ऐसे हैं इंटरनेट यूज करने वाले जो खाने पीने का ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं। अमेरिका में 38% करते हैं, हमारे यहाँ मुश्किल से 7-8% है। यानी कि धीमे धीमे हमारी भी आदतें उस तरफ जा रही कि जहाँ बजाय होटल में जाके खाएं, एक फोन पर ऑर्डर किया, जोमेटो स्विगी वाले लेकर आ गए, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है इस कंपनी में। एक और बात जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैश रिच कंपनी है। ऑलरेडी कंपनी के पास लगभग 3,031 करोड़ का कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है। इसके अलावा 9,000 करोड़ रुपए और आईपीओ से आएंगे, यानी कि टोटल 12,000 करोड़ का कैश कंपनी के पास हो जाएगा। 20% मार्केट के पर शेयर 15 रुपए कैश हो जाएगा। तो अच्छा कैश है जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा एक्विजिशन के लिहाज से, अगर वो करना चाहे, कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहे या फिर अपने एक्सपांशन में इस पैसे को यूज करने के लिए वो काम मिलेंगे। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें जो दीप इस कंपनी में मुझे नजर आती है। और एक ब्रांड है, नाम है जोमेटो का, वो तो आप और हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल सर, तो ब्रांड है, इजीली आइडेंटिफाइबल है और पहली ऐसी कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। तो ये तो रहे पॉजिटिव्स, बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं सर इसके बारे में जो सामने आते हैं? कुछ नहीं, बहुत सारे हैं दी। जितने पॉजिटिव हैं उनका मुकाबला करने के लिए नेगेटिव भी बराबर उतने ही है। सबसे ज्यादा तो कंपटीशन वाली बात है, कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है। अभी तक लोगों को लगता है स्विगी से ही कंपटीशन है, लेकिन असली कंपटीशन जो आ रहा है वो अमेजोन से आ रहा है। और दीप देखिए, अमेजोन जिस फील्ड में उतरता है वहां हिला देता है एकदम। तो आप देखिए, अभी उन्होंने बैंगलोर से शुरुआत की है, बैंगलोर में उनकी शुरुआत जो है, करीबन 62 पिन कोड ऐसे हैं जहां पर वो फूड डिलीवरी शुरू कर चुके हैं। अच्छा, ऑनलाइन ग्रोसरी में तो जोमेटो के साथ साथ Amazon भी ऑलरेडी आ ही चुका है, वहां तो कंपटीशन है ही। अभी ऑलरेडी बैंगलोर में इन्होंने जस्ट शुरू किया है ट्रायल बेसिस पे, 2,500 से ज्यादा रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन वगैरह Amazon के पास आ चुकी है। अच्छा, स्विगी से तो है ही है। तो कंपटीशन में तीन बड़े प्लेयर हो जाएंगे, दो तो ही है, स्विगी और जोमेटो, और Amazon आ गया। तो Amazon भारी भरकम है, हाथी है, तो उससे लड़ना आसान काम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लड़ पाएंगे, लड़ेंगे, इनकी भी अपनी स्ट्रेटजी है, पुराना मॉडल है तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन कंपटीशन बड़ा तगड़ा मिलने वाला है। दूसरा ये कि जो कंपनी के लॉसेस कम हुए हैं इस बार, पहली चीज तो ये। हाँ, एक और बड़ा नेगेटिव है कि अभी तक कंपनी मुनाफे में आई नहीं है, वो मैं विस्तार से आगे बात करूंगा, लेकिन जो लॉस कम हुए वो सिर्फ एक वजह से कम हुए कि इन्होंने एड एक्सपेंसेस अपने वो बहुत घटाए। पिछले साल 1,338 करोड़ खर्च किए थे ये विज्ञापनों पे, इस साल खाली 527 करोड़ खर्च किए, तो वहीं से पैसा बचा है। लेकिन वही बात है कि इस कॉम्पिटिशन वाले जमाने में आप कब तक एड एक्सपेंसेस नीचे रखेंगे? रख पाए तो अच्छी बात है, ये मैनेजमेंट बताएगा तो समझ में आएगा। तीसरी बात है कि जो कॉम्पिटिशन है वो तो जबरदस्त है ही, लेकिन इसके अलावा 3 से 4 साल लग सकते हैं इसको पूरी तरह से प्रॉफिटेबल होने में, जो हमारी कैलकुलेशन है। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कंजर्वेटिव, हमने तो एग्रेसिव लेकर ही लिया, ये तो मैनेजमेंट ही समझा पाएगा अगर बात करेगा तो, कि क्या वाकई में हमारे हिसाब से वित्त वर्ष 2025-26 के आसपास जाकर कंपनी मुनाफा करेगी। तो यानी कि अगले 3 साल कंपनी मुनाफा कर पाए इसकी संभावनाएं कम है, नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा, संभावनाएं कम है, और कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो मुनाफा बनने में वक्त लगेगा। तो एक चीज आपको ये समझनी है कि आपको एक लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाना है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, उस हिसाब से आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो स्टार्टअप्स में ये आएगी, सिर्फ अगर प्रॉफिट कर रही है तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह का वैल्यूएशन हो सकता है, कितने पी मल्टीपल्स हो सकते हैं। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है और हमें लगता है जोमेटो को प्रॉफिट में आने में 3-1 साल लग सकते हैं, 2 साल तो कहीं नहीं गए, मिनिमम 2 साल तो लगने, 3 से 4 साल में भी अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो ये कंपनी के लिए अचीवमेंट होगा। जी दीदी,
ओके तो ये एक बड़ा नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है और कंपटीशन भी बढ़ा है यहाँ पर। सर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखें तो आईपीओ के लिए अपनी राय दें सर, क्या करना चाहिए, पैसे लगाएं या नहीं इसमें? दीप इसमें है ना मामला दिल और दिमाग वाला है ना। अगर आप दिल की सुनेंगे तो लगेगा अरे जोमेटो बड़ा नाम है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया बिजनेस मॉडल है, अपनी तरह का यूनिक है, इस तरह के स्टॉक्स हमेशा बाजार को पसंद आए, लगाना चाहिए पैसा। और दिमाग कहेगा भाई बैलेंस शीट तो देख, कब प्रॉफिट करेगी पता नहीं, ये जो सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर तुम्हें विदेशी दिख रहे हैं जिन्होंने पैसा लगाया, इनके पास तो ढेर सारा पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, इनका थोड़ी इन्वेस्टर्स का है, एंकर बुक में भी आप देखिए ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए, तो उनके अच्छा प्लस उनके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा होता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, एक आध कंपनी में पैसा नहीं भी बना बहुत ज्यादा तो भी चलता है, और बन गया तो लॉटरी लग जाएगी। तो वो दिमाग से आप जाएंगे ना कि 3 साल बाद प्रॉफिटेबल होगी तो क्या लगाना चाहिए, 2 साल बाद प्रॉफिटेबल होगी तो लगाना चाहिए, तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो लगा नहीं पाएंगे। तो इस दिल और दिमाग की कश्मकश में मेरी राय ये है दीप कि जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, वो छोटा एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी तरह का यूनिक इन्वेस्टमेंट है, करने में हर्ज नहीं है। लेकिन आप अनाप शनाप रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, देखिए वैल्यूएशन सस्टेन नहीं है इस तरह के आईपीओ के, जो मैंने चूंकि प्रॉफिट तो है नहीं, आपको बाकी पैरामीटर पर इसको कैलकुलेट करना है, जो भी नए जमाने के अलग तरह के इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है या ई कॉमर्स बिजनेस है उसके मुकाबले में देखेंगे तो सस्ता नहीं है। पहला इंटरनेशनली भी हमने जो प्लेयर्स हैं जहां पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है उनको हमने कंपेयर करके देखा है, उसके मुकाबले में भी जोमेटो सस्ता नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि जोमेटो का जितना बड़ा नाम है उतने ही बड़े लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे तो आपको मायूसी होगी, बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकता। कोई जरूरी नहीं कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद नीचे खुले, लिस्टिंग के आसपास खुल सकता है, हल्का फुल्का 5-10% का गेन बन जाए तो बन भी जाए, लेकिन मेरे लिए आईपीओ में कम से कम 20-25% के लिस्टिंग गेन की विजिबिलिटी क्लियर कट होनी चाहिए तो आईपीओ में लगाने का मजा है। तो इस आईपीओ को आप प्योरली लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखिए, लिस्टिंग में बन गया 5-10% 15% तो आपका नसीब, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से थोड़ा सा एक लोट का एप्लीकेशन कर दीजिए रिटेल कैटेगरी में, और ठीक है इसको रखिए एक एक्सपीरियंस के तौर पर, कोई खास 15,000 रुपए में फर्क नहीं पड़ता और रिस्क लेने की ताकत, या फिर आप लिस्टिंग के बाद भी ले सकते। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन कमाने के लिए आज से आप देख रहे हैं तो वो मत देखिए, लगाइए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बन जाए लिस्टिंग पे तो अच्छा है, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं, थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं, थोड़ा आईपीओ को अट्रैक्टिव वैल्यूएशन करना चाहिए, सस्ता देना चाहिए था, ऐसा करते तो ज्यादा बेहतर होता, सस्ता दिया नहीं है। बिल्कुल सर, सस्ता दिया नहीं है, महंगा आईपीओ है और थोड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स ही हैं। अगर आप चाहें लिस्टिंग गेन के लिए अगर ढूंढ रहे हैं, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा निवेश का मौका है, एक लॉट के लिए तो जरूर अप्लाई करें। तो जोमैटो का आईपीओ, इस पर नजर है बाजार की और ढेरों और फैक्टर्स हैं जहां पर हमारी नजर बनी है।